आगरा में जगनेर मार्ग स्थित धनौली में सिविल एनक्लेव का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जिसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आगरा की जनता को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। लंबे समय से सिविल एयरपोर्ट की बाट जोह रहे आगरा वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिनके द्वारा आगरा के धनौली इलाके में बनने जा रहे सिविल एनक्लेव का आज शिलान्यास किया गया। आगरा के पर्यटन को सालों से इसका इंतजार था, आज उनका इंतजार खत्म हुआ और सिविल एनक्लेव शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। आपको बता दें कि आगरा के जनप्रतिनिधियों की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनके अथक प्रयासों से आज आगरा को यह उपलब्धि हासिल हुई है। कार्यक्रम में बोलते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आगरा की जनता और यहां आने वाले पर्यटकों को इससे बड़ी सुविधा होने वाली है। आगरा की मांग पूरी होने जा रही है, उसके लिए मैं आगरा की जनता को बधाई देता हूँ और हमारे योगी जी हैं और मोदी जी हैं तो कहा जाता है कि सब कुछ मुमकिन है। बहुत दिनों से आवश्यकता थी कि और आगरा में एयरपोर्ट की बहुत कमी थी, वो माननीय राजकुमार सांसद जी और माननीय एसपी बघेल साहब के प्रयास से आज पूर्ति हो रही है। मैं देश के माननीय लोकप्रिय विश्व के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को बधाई देता हूँ। इन सबकी मेहनत से आज आगरा की जनता को जो बाहर जाने के लिए दिल्ली भागना पड़ता था, आज उनकी कृपा से अब हमको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आज बड़े हर्ष का विषय है कि ग्राम पंचायत धनौली की सरजमीन पर सिविल एनक्लेव का शिलान्यास हुआ है। इससे हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। आज तक ये क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, एयरफोर्स की वजह से यहाँ जमीनों की कीमत न के बराबर थी, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं था, रास्ते भी सब ऐसे ही थे, जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब इस सिविल टर्मिनल को बनने से इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार की भी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। इस दृष्टि से बड़े हर्ष का विषय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस दौरान आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी मौर्या सहित अनेक गणमान्य लोग और पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने।